갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 वेलकम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अपोलोनियस थ्योरम और पार्ट 7 दैट इज पाइथागोरस का पार्ट 7 द स्टार्ट. सो वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास दो एप्लीकेशन है. पहला है कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल और दूसरा है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और इसी के बेस पे हम लोग सॉल्व करें, दैट इज हमारा अपोलोनियस थ्योरम. तो पहला अक्यूट एंगल ट्रायंगल देखते हो, हमने खुद से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, दैट इज ए बी सी. और यहाँ पे हमें अक्यूट एंगल किसको लेना है, एंगल सी. अभी ये पूरे अक्यूट एंगल, लेकिन इसमें लेना किसका, एंगल सी को. तो एंगल सी देखो क्या हमारा अक्यूट एंगल है. ओके, तो आपको डायरेक्टली इसमें याद रखना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये हमें सिर्फ याद रखना है. तो एंगल सी अक्यूट एंगल था और ये क्या था हमारा हाइट है. इसमें फॉर्मूला कैसे बनने वाला है आपको देखो, ए बी स्क्वायर, ये जो दिख रहा है इसको सामने वाला अक्यूट एंगल सामने वाला, दैट इज ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू. अभी किसके इक्वल होने वाला, ये जो ए बचे हुए दो साइड है, ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन गया हमारा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. आप आगे भी चलिए चलेगा क्या बन जाएगा हमारा, पहले क्या लेना है जो 90 ये अक्यूट एंगल के सामने वाला है, डेट इज ए बी स्क्वायर. तो लिख लिया ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बचे हुए दोनों साइड थे. अब माइनस अगेन क्या लेना है, जो हमने पहले लिया था यहाँ पे 2BC, क्या लेना माइनस 2BC इनटू ये जो एक पार्ट है इसका हाफ पार्ट, डेट इज DC. कैसे अप्लाई करना है समझ गया आपको, पहले क्या लेना है यहाँ पे हमें इसके सामने, डेट इज साइड कौन सा था, ए बी स्क्वायर. ओके, तो ले लिया ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल, अब बचे हुए दो साइड, डेट इज BC स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. लिख लिया बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. माइनस अगेन क्या लेना है, 2 लेना है. ओके, और क्या लेना, अगेन ये पूरा BC लेना है, BC इनटू, अब इनटू लेना है, और क्या लेना है ये जो बचा साइड है डीसी. आप कोई भी ले सकते हो, इसमें डीसी भी ले सकते हो और बीडी भी ले सकते हो. ओके, तो हमने क्या लिया यहाँ पे डीसी. तो ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए, इसको बार बार अगर आपको देखना है तो ट्रायंगल बना के बार बार प्रैक्टिस करो कैसे ये हमें अप्लाई कर रहे हैं. ओके, वैसे सेम हमारा अभी देखते हैं कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो क्या लिखा है, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एंगल सी, ये जो एंगल सी है वो क्या दिख रहा है अभी, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, नाम हमने सेम ही लिया है देखो दोनों में, तो ये क्या है ऑब्ट्यूस एंगल. तो अब इसमें कैसे अप्लाई हो, देखो इसके सामने वाला डेट इज साइड क्या है, देखो इस अक्यूट एंगल जो है उसके सामने वाला साइड क्या है, ए बी स्क्वायर. तो लिख दिया ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू अगेन जो बेस था, डेट इज हमारा बी सी स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड, डेट इज ए सी स्क्वायर प्लस अगेन क्या लेंगे, 2BC इनटू ये जो एक साइड है, डेट इज हमारा सी डी जिसके ऊपर हाइट हमारा बना था. कैसे लिया दिख रहा है आपको, 90 अक्यूट एंगल के सामने वाला क्या था, ए बी स्क्वायर. तो ले लिया ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू जो बचे दो साइड, डेट इज बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. अब इसमें क्या है, सिर्फ प्लस हो जा रहा है, वहाँ पे देखो अक्यूट वाले में माइनस था लेकिन ऑब्ट्यूस वाले में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस 2BC दिख रहा है. हमने यहाँ पे भी कह रहे थे 2BC इनटू ये जो ये वाला पार्ट है, डेट इज CD. तो कैसे अप्लाई करना समझ गया आपको, कि अक्यूट एंगल में कैसे अप्लाई करना है और ऑब्ट्यूस एंगल में कैसे अप्लाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये अप्लाई करना आएगा तो ये आप इसके सम्स भी सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो इसी के बेस हमारा स्टार्ट करते हैं अभी अपोलोनियस थ्योरम. अभी अपोलोनियस थ्योरम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ एक ही मेथड दिया है, इसी के थ्रू आपको सॉल्व करना है, लेकिन आप एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको आसान सा मेथड बता दूँ कि अपोलोनियस थ्योरम कैसे सॉल्व कर रहा है. तो देखो क्या लिखा हमारा पहला अपोलोनियस थ्योरम में, स्टेटमेंट इन ट्रायंगल एबीसी, एक जो ट्रायंगल है एबीसी उसमें क्या दिया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी. ये जो एम है वो क्या है, मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है. देन हमें क्या बनने वाला फॉर्मूला, याद रखो आप, इन ट्रायंगल एबीसी में क्या मिड पॉइंट था, एम मिड पॉइंट था, मतलब ये दोनों पार्ट क्या एक दूसरे के इक्वल है. तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. क्या बनने वाला है, ए बी स्क्वायर प्लस, देखो जहाँ पे मिड पॉइंट है वो साइड को छोड़ दिया हमने, जो रिमेनिंग साइड डेट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2AM स्क्वायर, जो हमारा मीडियन का लेंथ था, डेट इज 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर. अभी दोनों ले सकते हो, इसमें BM स्क्वायर भी ले सकते हो या फिर MC स्क्वायर भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है. समझा आपको अपोलोनियस थ्योरम में कैसे फॉर्मूला बनने वाला है, जिसमें मीडियन ड्रॉ हो रहा है वो छोड़ देना है, क्या लेना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2AM स्क्वायर, दैट इज 2 लेंथ ऑफ द मीडियन, 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर. 2BM स्क्वायर मतलब किसी भी एक साइड को ले लेंगे 2BM या फिर 2MC स्क्वायर. ओके, अब इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना. तो प्रूफ कैसे करें, देखो पहले गिवन में हमें क्या दिया था, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एम क्या था हमारा मिड पॉइंट है, लिख दिया. फिर टू प्रूफ क्या करना था, ये वाला पार्ट डेट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ करना था, हमने लिख दिया यहाँ पे ये पार्ट. अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ पार्ट. तो प्रूफ पार्ट में देखो पहले क्या लिखेंगे हमारा, अभी इसमें देखो अगर कैसे सॉल्व करना है, अगर ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये क्या था मीडियन है, तो आपको याद रहेगा कि जो परपेंडिकुलर लाइन भी रहता है, जो आपका परपेंडिकुलर लाइन हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे एक ये सेगमेंट पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है,
इस सेगमेंट को हाफ ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना, और मीडियन भी क्या करता है उसको हाफ ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दोनों का तो सेम ही है ना। तो हमें वही यहाँ पे इसे प्रूफ क्या करना है कि ये जो 90 डिग्री है फिर दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल था। देखो अब स्टार्ट कैसे करना है इसको। यहाँ पे पहले क्या, यहाँ पे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये एम क्या था, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। अगर एम मिड पॉइंट है तो वो क्या कर रहा है, इन बी एम को किसके इक्वल प्रूफ कर रहा है, एम सी के। बी एम को किसके इक्वल प्रूफ कर रहा है, एम सी के। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ए एम है तो वी कैन से डेट कि ए एम जो है वो किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी पे। क्यों परपेंडिकुलर, क्यों जो परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वली मतलब हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको। ओके, ये हो गया यहाँ तक, ये हो गया हमारे यहाँ तक पार्ट कंप्लीट। अभी हमें क्या करना है, देखो ये ए एम परपेंडिकुलर किसको हो गया, बी सी के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो अब क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल में एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी में, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी एम, ये जो ट्रायंगल है ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी एम, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा एंगल 90 डिग्री था, एंगल एम का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस अप्लाई करो। पाइथागोरस अप्लाई करो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए बी स्क्वायर, तो बन गया ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, बन गया ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब इसको नंबर क्या देना आपको, फर्स्ट। ओके, नाउ सेकंड, अब ये वाले ट्रायंगल में ए एम सी में, ये वाले ट्रायंगल में क्या अप्लाई करना हमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें अप्लाई करो क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। देखो इन ट्रायंगल ए सी एम, ए सी एम में ये वाला एंगल कितना था 90 डिग्री था, जिसके लिए हम लोग क्या अप्लाई किया इसमें पाइथागोरस थ्योरम, तो बन गया ये भी पाइथागोरस थ्योरम। इसको नंबर देना आपको थर्ड। अब क्या करना है यहाँ पे, अभी क्या करना है यहाँ पे, सेकंड और थर्ड को ऐड करना है। तो एक एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करो, तो जो इसका लेफ्ट पार्ट है और इसका जो लेफ्ट पार्ट है दोनों एक दूसरे से आपस में ऐड होंगे, और जो राइट पार्ट है राइट पार्ट आपस में ऐड होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर लिख दिया, प्लस किससे प्लस होगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर के हो गया यहाँ पे प्लस। नाउ देखो यहाँ पे क्या क्या सेम है, देखो अभी हमें क्या क्या बन गया यहाँ पे, हमें क्या चाहिए था इक्वेशन में, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दिख रहा है, इस साइड ए बी प्लस ए सी स्क्वायर बन गया, उस साइड क्या चाहिए हमें, टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर ना। तो देखो यहाँ पे ए एम है और ए एम है, ए एम प्लस ए एम करेंगे तो टू ए एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस एम सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अभी हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, बी एम चाहिए ना, तो हमें देखो यहाँ पे हमने लिखा था कि बी एम किसके इक्वल है, एम सी के इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे जो एम सी है, एम सी को हटा के वहाँ पे भी क्या लिख देंगे, बी एम लिख देंगे। तो एम सी को हटा के यहाँ पे क्या लिख दिया, बी एम लिख दिया। अब देखो बी एम प्लस बी एम में क्या हो जाएगा, टू बी एम स्क्वायर। तो देखो हमारा बन गया पार्ट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर। तो टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो क्या था इसमें, सिर्फ करना क्या था आपको, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना था, दैट इज परपेंडिकुलर, और फिर इसमें पाइथागोरस अप्लाई करना था, फिर दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो ऐड करने के बाद आपको, और इसको चेंज करना था एमसीक्यू इसमें बी एम में, तो हमें क्या मिल जाता हमारा प्रूफ पार्ट। तो ये था अपोलोनियस थ्योरम। आगे मैं बताता हूं अपोलोनियस थ्योरम में अप्लाई कैसे करना, जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है, जो मीडियन रहता है यहाँ पे, तो उसका उसको छोड़ के बाकी दोनों पार्ट को ले, डेट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ले लिया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आपको सम में आएगा, कैसे सॉल्व अप्लाई करना है तभी आपको सॉल्व करना आएगा। तो अप्लाई करना सीख लो, डेट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टू ए एम स्क्वायर, जो मीडियन हमारा टू ए एम स्क्वायर प्लस टू बी एम स्क्वायर, आप बी एम स्क्वायर लो या फिर एम सी स्क्वायर लो चलेगा। ओके, 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어